मैं बहुत बार बताता हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा। हमारे शहर में हमने 4 साल पहले जो टॉयलेट का पानी था वो हमने 18 करोड़ रुपए में बेच दिया। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि टॉयलेट का पानी बेचा जा सकता है 18 करोड़। महाराष्ट्र सरकार खरीदती है रिसाइकलिंग करके, वो कोराडी और खापरखेड़ा के पावर प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं। और अभी 10 दिन पहले हमने एग्रीमेंट नया किया और पानी दे रहे, और हमको साल के म्यूनिसिपल कार्पोरेशन कितने मिलेंगे पता है आपको? 78 करोड़। केवल टॉयलेट का पानी बेचकर हमको 78 करोड़ मिल रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि नो वन इज वेस्ट, यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। चाहे कोई इंसान भी वेस्ट नहीं है, चाहे कोई मटेरियल भी वेस्ट नहीं है। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड एप्रोप्रिएट लीडरशिप अगर होगी तो कचरे से भी सोना बन सकता है। अभी मैं आपको अनुरोध करूंगा, यहाँ उत्तर प्रदेश के बहुत से बिहार के झारखंड के विधायक होंगे, अभी एक पानी जो हमने निकाला, ये पानी से अभी हम मीथेन निकाल रहे हैं नागपुर में, और मीथेन से CO2 अलग करके बायो CNG निकालकर 50 से 55 बसेस उस पर चला रहे हैं। पोल्यूशन फ्री कॉस्ट इफेक्टिव इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट। अब ये गंगा के किनारे पर मैं 125 बायोडाइजेस्टर बना रहा हूँ, और ये यमुना पे बना रहा हूँ, ये दिल्ली में है, पानीपत से शुरू है, 40 उपनदी और नाले हैं जहाँ भी हम लोग काम कर रहे हैं। 189 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, 25,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, 100% हम पैसा खर्चा कर रहे हैं। अब मेरी योजना ये है कि जिसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि गंगा के किनारे पर जो विधायक वो सामने आए, वो जो बायोडाइजेस्टर से पानी शुद्ध होगा, तो मैं पावर मंत्री जी के पास गया, मैंने कहा आप मेरे गंगा के लिए मुझे आपका एक सहयोग चाहिए कि गंगा के किनारे पर टोटल 24 पावर प्रोजेक्ट है, बिहार में है, झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, ये सभी गंगा के किनारे पर है, तो आप उसमें मेरा पानी आप पावर जनरेशन के लिए यूज़ करो, गंगा का सीवेज वाटर मैं अच्छा करके आपको देता हूँ, ये पाइपलाइन से पहुँचो तो एक हाथ पैसा, शायद बिजली महंगी होगी पर शायद सस्ता भी हो सकता है। जब मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा 12 प्रोजेक्ट हमारे चालू है, मैं पानी लेने के लिए तैयार हूँ, हमारा अभी एग्रीमेंट होगा, उनने ऑर्डर भी निकाला है, और ये पूरा गंदा पानी मैं जो गंगा का शुद्ध करके उनको बेचूंगा, उससे पैसे मिलेंगे। फिर मैं रेलवे मिनिस्ट्री के पास गया, मतलब आपकी जो गंगा के किनारे पर रेलवे स्टेशन है, जो गाड़ियाँ जाती हो धोते हो, तो गाड़ी धोने के लिए हमारा पानी यूज़ करो, आप खरीद लो तो उससे पैसे मिलेंगे। अब वो पानी को हम बेचेंगे, उसके बाद उसी पानी से मीथेन निकालकर CO2 अलग करके, वो CO2 से भी आइस क्यूब बनती है। आज बड़े बड़े 5-स्टार होटल में जो ड्रिंक्स लेते हैं तो जो आइस क्यूब होती है वो इससे बनते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप एक काम करिए कि ये जो बायो CNG है इससे बसेस चलेगी, ट्रक चलेगी, ये सब बातें संभव है, तो गंगा ये हमारे लिए वरदान बन सकती है, हमारे रोजगार का साधन बन सकती है। अभी मैं परसों टुटीकोरिन गया था तमिलनाडु में, और मैं सोच रहा था कि इतना धूप थी, पानी नहीं है, सब लोग अस्वस्थ हो रहे थे, तो मैंने कुछ इंजीनियर्स को बुलाया था, और अब ये नई कल्पना, इसी मेरे मन में आउट ऑफ बॉक्स बातें बहुत आती है, तो मैंने उनको कहा कि ये जो चेन्नई में आप पीने का पानी दे रहे हैं जिसका डिसेलिनेशन कर रहे हैं, ये कॉस्ट कितनी आती है? तो उन्होंने कहा सर अब टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती हो गई है, बहुत खिंचातानी करके उन्होंने मुझे कहा कि 5 पैसे पर लीटर अच्छा शुद्ध स्वच्छ जल मिल सकता है। अब मैंने कहा इसको समुद्र में हम अगर सोलर एनर्जी पर अगर ये सिस्टम चलाएंगे तो बोले और पैसे कम हो सकते हैं। अब मैं स्टडी कर रहा हूँ कि डैम बनाकर बरसात का पानी रोककर वो पानी पीने के लिए देने के बजाय और खेती के लिए देने के बजाय, जो 7,500 किलोमीटर का समुद्र किनारा है वहाँ सोलर से पानी तैयार करना, पानी डिसेलिनेशन करना, और वो पानी पीने के लिए और खेती के लिए अगर यूज़ किया जाए तो क्या वो पानी अपने को पूरा सकता है क्या? अभी उसका रिसर्च शुरू किया है। अगर ये किया तो बंगाल से लेकर, उड़ीसा से लेकर, तमिलनाडु से लेकर, हम कर्नाटक के पार्ट में अनेक जगह पर पीने के पानी का समुद्र में डिसेलिनेशन करके कर सकते हैं। और इसलिए ऐसी अनेक बातें जो टेक्नोलॉजी के कारण बदली हुई, जिससे आपके क्षेत्र का जीवन सुसह्य हो सकता है। अभी ये कचरे के बारे में, मेरे घर पे यहाँ एक मशीन है, तो मैं रोज सुबह देखता था कि जो पत्तियाँ गिरती थी उसको जला देते थे, तो एक छोटा मशीन है, तो मैं रोज उसमें वो सब पिट्टिया वाले ट्रक वालों को कहा कि मेरे घर पे ला के दो, और उसका बायो फर्टिलाइजर तैयार होता है,
और आपको ताज्जुब होगा, हमारे महात्मा गांधी जी जो कहते थे कि ग्रामीण क्षेत्र में हम बहुत प्रयोग कर सकते हैं, तो हमारे गिरिराज सिंह मंत्री है, मैं उनके विभाग में एक वर्धा में एक इंस्टीट्यूट है महात्मा गांधी विज्ञान इंस्टीट्यूट, मैं वहाँ गया था और उनने मुझे एक बॉटल भेंट दी, उसमें अम्यूनो एसिड था। तो मैंने उनको कहा कि ये अम्यूनो एसिड जो है ये क्या है, ये बोले प्लांट बूस्टर है। वो लाकर मैंने हमारे खेती पे मेरी पत्नी ने यूज़ किया, इतना कि 25-30% ग्रोथ मिल गई। तो मुझे लगा किसान आत्महत्या कर रहे, उनका फायदा होगा, ये तो बहुत सस्ता सोल्यूशन है। तो मुझे लगा इसमें राजनीति भी होगी कि नागपुर में जो हेयर कटिंग सलून और ब्यूटी पार्लर वाले हैं उनके 50 रुपये किलो में अगर बाल खरीदी करूँगा तो उनको भी ज़रा अच्छा लगेगा कि वो फेंक देते थे। तो मैंने, मुझे लगा कि नागपुर में मुझे 500-600 टन बाल मिल जाएगी, क्योंकि मुझे कल्पना ही नहीं थी कि बाल इतने, हेयर कटिंग सलून है, इतने ब्यूटी पार्लर है, सबको मैंने इकट्ठा किया और मैंने कहा मैं 50 रुपये किलो से बाल खरीदी करूँगा, आप मुझे बाल दो। एक महीने के बाद बाल मिले तो 50 किलो ही निकले। तब मेरे ध्यान में आया कि बाल इतने हल्के होते हैं कि इतने नहीं मिलते। अब आपको ताज्जुब होगा, मैं 5 ट्रक बाल तिरुपति से खरीदता हूँ और वो पूरा अम्यूनो एसिड बनता है। फिर एक राज्यसभा में एक MP अभी डॉक्टर विकास महात्मा, उनको पद्मश्री मिली, वो जो भेड़ बकरी का उस कम्युनिटी से है। तो मैंने कहा डॉक्टर तू फालतू काम मत कर, तुम ये भेड़ बकरी के बाल काटने का काम शुरू कर। तो उन्होंने चालू किया, तो उन्होंने अभी मुझे 3 टन बाल ला के दिए बकरियों के काट के। तो गांव के लड़के उतने होशियार है कि उन्होंने कुत्ते के बाल, बैलों के बाल, भैंसों के बाल काटना शुरू किया, उससे भी अम्यूनो एसिड बनता है। आपको ताज्जुब होगा, 900 रुपये की बॉटल हमने 300 रुपये में दी, धंधा नहीं करना था। अभी इतना मार्केट में पॉपुलर हुआ कि पिछले मार्च में हमको 3.5 करोड़ रुपये प्रॉफिट हुआ। अब वो अम्यूनो एसिड जो था उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बना रहे, उसकी लेबोरेटरी तैयार की, और वो करते करते हमारे यहाँ ऐसे आप जैसे तरुण लोग काम करते थे तो उन्होंने कहा कि ये जो बायो फर्टिलाइजर हम तैयार करें प्रेस मड से, प्रेस मड और स्पेंट वॉश जो शुगर मिल में आता है, इसमें अम्यूनो एसिड डालो, इसकी NPK वैल्यू बढ़ेगी। तो उन्होंने अम्यूनो एसिड बना के वो खाद अच्छा तैयार किया। तो किसी को तो भी ध्यान में आया कि दुबई के सरकार को ये खाद चाहिए, तो उसने भी 1 किलो बैग को ठप्पा मार के सर्टिफिकेट देके बेच दिया, पता भी नहीं किसी को। दुबई के सरकार का लेटर आया कि आपका खाद अप्रूव हुआ, बाद में पता लगा कि सबसे अच्छा वही खाद था और 180 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। और अभी अभी बाल कम पड़ रहे हैं, अभी वो पूरा एक्सपोर्ट हो रहा है, अभी 90 कंटेनर चले गए पर बाल कम है। तो अभी मैं कहता हूँ बच्चों को कोमड़ी के लाओ और कोई कुत्ते के लाओ, बकरी के लाओ, भैंसों के लाओ, बाल चाओ, तो वो तिरुपति से पूरे बाल लेके उसका नहीं। दिस इज, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि आपके पास अगर टेक्नोलॉजी है, आपके पास दिमाग है, आपके पास विजन है, आपके पास आउट ऑफ बॉक्स विचार करने की ताकत है, तो पैसे वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, आप यू कैन मेक मिरेकल्स।